लालकुआ के मोतीनगर स्थित निर्माणाधीन सीएचसी भवन के निर्माण का धीमी गति पर विधायक नवीन दुक्का ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार को मौके पर बुलाकर निर्माण कार्य की सेवा शर्तों के अनुसार निर्धारित समय में अस्पताल भवन निर्माण न किए जाने की वजह जानी। ठेकेदार द्वारा बजट के अभाव में कार्य प्रगति में रुकावट आने की बात कहने पर मौके में मौजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथी जोशी ने हैरानी जताते हुए बताया कि कार्यदायी संस्था को बजट अवमुक्त किया जा चुका है। उन्होंने वर्तमान में कार्यदायी संस्था बिटकुल के पास 1 करोड़ का बजट भी उपलब्ध होने की जानकारी दी, जिस पर उन्होंने बिटकुल के प्रोजेक्ट मैनेजर को मौके पर बुलाया और फरवरी 2021 के अंत तक भवन हैंडओवर ना किए जाने पर कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्टेड करने की बात कही। चिकित्सालय है ये लंबे समय से पेंडिंग है और पब्लिक ओपिनियन इसके विषय में खराब हो रही है। मैंने CMO मैडम से कहा कि एक बार इसको देख लेते हैं। अब जब यहाँ पर आए तो पता चला कि शासन ने धनराशि अवमुक्त कर दी है, पैसे की कोई समस्या नहीं है। ये जो बनाने वाली संस्था बिटकुल है, मुझे लगता है कि ये ठीक से अपने ठेकेदार को हैंडल नहीं कर पा रही है। ठेकेदार काम नहीं करता तो ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए था, काम वापस लेना चाहिए था। और अगर ठेकेदार काम कर रहा है, उसका कुछ बिल पेंडिंग है, तो उसको निगोशिएट करके बैठ के सुलझाने का काम भी नहीं किया है। अभी इन्होंने फरवरी लास्ट की डेट दी है कि हम कंप्लीट करके हैंडओवर कर देंगे। नहीं करेंगे, शासन से बात करेंगे और मैं निश्चित रूप से बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, हम बिल्कुल का काम छीन लेंगे सरकार से। सरकार से कहा करके इनका काम छीन लेंगे, हम इनको काम नहीं करने देंगे। कि मेरे घर के सामने जो है अस्पताल की बुरी स्थिति हुई है, तो मैं सरकार से और शासन दोनों से बात करूँगा। कर दें ठीक है, नहीं करें तो ब्लैक लिस्टेड होना एक बहुत अपमानजनक स्थिति होती है, वो हो जाएगा। हुआ है बिटकुल को सारा पैसा रिलीज किया जा चुका है शासन से और इसकी प्रगति बहुत धीमी है। पहले भी 2-3 चेतावनी पत्र इनको जारी कर दिए हैं, आज भी प्रोजेक्ट मैनेजर साहब ने के द्वारा अवगत कराया गया कि फरवरी आखिर तक हम ये काम को इसको हैंडओवर करा देंगे और अन्यथा की स्थिति में फिर इनके खिलाफ शासन को पत्र भेज दिया जाएगा।